हाँ हेलो बेटा, मुझे आइसक्रीम खाने में बात तो नहीं आ सकती, तो आप मेरे लिए बना दो। हाँ हेलो, आप जैसी प्यारी प्यारी बेटी के लिए नहीं बनाऊंगी तो किसके लिए बनाऊंगी। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक नहीं दो नहीं बहुत सारी फेवरेट आइसक्रीम। बनाना तो इतना आसान है कि आपको उसका सामान सारा घर पे ही मिल जाएगा और बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप भी आइसक्रीम बनाना देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इसे 40,000 लाइक्स तक जरूर पहुंचाइए, और कुक विद दिशा को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो एनू चलते हैं बनाने आइसक्रीम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे, वो है फ्रेश क्रीम, कंडेंस मिल्क और वनीला एसेंस। और अब एक मिक्सिंग बाउल लें, और याद रखें इस मिक्सिंग बाउल को 10 मिनट फ्रीजर में ठंडा होने ज़रूर रखें। अब इस मिक्सिंग बाउल में हम 250 ml फ्रेश ठंडी क्रीम डालेंगे, और अब हम इसमें मिलाएंगे 200 ग्राम कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मिलाने से इस आइसक्रीम में स्वीटनेस आएगी और इसका टेक्स्चर भी बहुत स्मूथ होगा। और वनीला फ्लेवर डालने के लिए इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस, और इन सब को डालकर अब हम हैंड बीटर की मदद से इसे अच्छे से मिलाएंगे। अगर आपको इसमें कोई और फ्लेवर चाहिए तो इसमें आप उस एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमने ठंडा जार और ठंडी क्रीम ली थी, जिससे कि क्रीम की थिकनेस बनी रहे, क्योंकि रूम टेम्परेचर में क्रीम बहुत जल्दी गर्म हो रही है। तो आप इसके लिए एक बाउल में आइस क्यूब्स बिछा लें, और अब इस क्रीम को इसके ऊपर रखकर अच्छे से फेंट लें। इसे लगभग आप 10 से 15 मिनट के लिए फेंटें। जितना अच्छे से आप इसे फेंटेंगे उतना ही अच्छा इसका टेक्सचर आएगा, और आइसक्रीम आपकी एकदम स्मूथ और बढ़िया जमेगी। और मैं इसे लगातार 15 मिनट से फेंट रही हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना क्रीमी और फ्लफ़ी हो गया है। और अगर आप इसे इलेक्ट्रॉनिक बीटर से बीट कर रहे हैं तो 5 से 7 मिनट के लिए बीट करें, या तो फिर आप इसे ब्लेंडर जार में 5 से 7 मिनट के लिए ब्लेंड कर दें। अब हम इस आइसक्रीम को जमाने के लिए रखेंगे, जिसके लिए हम प्लास्टिक या कांच के किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे कांच के और प्लास्टिक के दोनों कंटेनर में डाल दिया है। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि जब वो आइसक्रीम जमाते हैं तो उसके ऊपर एक बर्फ़ की लेयर बन जाती है, उसके लिए आप इसे जमाते समय इसके ऊपर एक प्लास्टिक का रैप इस तरीके से लपेट दें, और अब इसके ऊपर ढक्कन लगा दें, और इसी तरीके से प्लास्टिक वाले कंटेनर में भी रैप लगाकर उसमें ढक्कन लगा दें, और इन्हें 8 घंटे के लिए फ्रिज में जमने के लिए रख दें। और 8 घंटे बाद इसे फ्रिज से निकाल लें, और अब इसका प्लास्टिक रैप निकाल कर आप देखेंगे कि आइसक्रीम कितने अच्छे से जमी है, इसका कितना स्मूथ टेक्सचर आया है। और इस आइसक्रीम को आप बच्चों को कोन में सर्व करें तो उन्हें बड़ा मज़ा आएगा। शुरुआत करते हैं इस मज़ेदार मैंगो कुल्फी से। जिन दो इंग्रेडिएंट की मैंने बात की थी उनमें पहला इंग्रेडिएंट है फ्रेश क्रीम, जो कि मैंने ली है 500 ग्राम, वो भी ठंडी। और मिठास के लिए इसमें 200 ग्राम कंडेंस मिल्क डालकर बीटर से अच्छे से बीट कर लें। इलेक्ट्रॉनिक बीटर से इसे लो स्पीड में 1 मिनट तक बीट करें, और हैंड बीटर से कर रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट तक बीट करें। और लीजिए, तैयार हो गई हमारी कुल्फी की बेस, और इसमें अब हम मनपसंद फ्लेवर को मिलाते जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने मिलाया है मैंगो पल्प को, और इसे भी मिक्स कर लें। मिठास को आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। डाल दें इसे कुल्फी मोल्ड्स में और लगा दें इसके अंदर स्टिक, और इसे अब कम से कम 8 से 10 घंटे फ्रीजर में जमने जरूर रख दें। कुल्फी मोल्ड नहीं है तो डिस्पोजेबल कप तो हो गई, तो आप इन्हें डिस्पोजेबल कप में भी बना सकते हैं। और मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद तैयार है ये मज़ेदार मैंगो कुल्फी। अनंती और अनाया ने तो मैंगो कुल्फी का मजा दो दो बार लिया है, और ये पान कुल्फी तो मेरी फेवरेट है, और मेरे घर के सारे बड़े तो इस पान कुल्फी के पीछे पड़े थे। बस जो बेस था उसमें हमने पान के पत्तों को काट के डाल दिया। डाला इसमें 1 बड़ा चम्मच गुलकंद और ड्राई पान का मसाला, मिक्स कर ले। और अगर ये इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो आप एक बिना सुपारी का मीठा पान भी इसमें डालकर मिक्स कर सकते हैं। मोल्ड में जमाने के बाद देखिए कितने सस्ते में हमने ये पान कुल्फी को घर में ही बना लिया। अरे वाह,
अब बनाएंगे ये चॉकलेट कुल्फी। बस जो बेस तैयार किया था उसमें डालें 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर, मिला लें उसे 1 चम्मच की मदद से, और मजेदार कुल्फी के लिए ऐसी क्रीमी कंसिस्टेंसी रखना, और बस इसे भी मोल्ड में डालें, फ्रीज करें, और मजेदार चॉकलेट कुल्फी भी बनके तैयार है। टूटी फ्रूटी बादामी कुल्फी के लिए हमने बेस में मिलाया कुछ बादाम के कटे हुए टुकड़े, फ्लेवर के लिए डाला 1/2 चम्मच वनीला एसेंस, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, कुछ टूटी फ्रूटीज, और इसे भी मिला लिया। और जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए इसे भी मोल्ड में डालकर जमा लें, और 8 से 10 घंटे जमने के बाद देखिए कितनी अच्छे से जमी है ये कुल्फी। मलाई कुल्फी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 लीटर फुल क्रीम दूध डालकर उबलने के लिए रख दें। इस दूध को मैंने एक बार ही पहले से ही उबाल लिया था और इसमें जो मलाई थी मैंने उसको भी इसमें डाल दिया है। इस दूध को हमें तब तक उबालना है जब तक वो घटकर 3/4 ना हो जाए, बीच बीच में इसे चलाते भी रहें। दूध उबलने पे आप देखेंगे कि कढ़ाई के किनारे पे मलाई जम रही है, तो इस मलाई को भी आप खुरचते हुए इस दूध में मिला लें। इसे आप बीच बीच में चलाते भी रहें और इस दूध को हमें लगभग 3/4 होने तक उबालना है। मीडियम लो फ्लेम में लगभग 15 मिनट में आप देखेंगे कि दूध घट के आधा हो गया है, तो अब हम इसमें कंडेंस मिल्क को डालकर उसे मिला लेंगे। आप चाहे तो कंडेंस मिल्क को स्किप करके चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कंडेंस मिल्क डालेंगे तो कुल्फी बहुत गाढ़ी और क्रीमी बनेगी। तो इस दूध को हमने 10 मिनट तक और पकाया है। आप देख सकते हैं कि दूध में अच्छा सा उबाल आ गया और उसने हल्का सा कलर भी चेंज कर लिया है, और ये घट के 1/4 भी हो गया है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद इसे हम कुल्फी मोल्ड्स या इस तरीके के डिस्पोजेबल मग्स में जमाने के लिए रख देंगे, और इसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगा देंगे जिससे कि फ्रिज के अंदर इसमें बर्फ ना जमे। और अब चाकू की मदद से कट लगाते हुए इसके ऊपर स्टिक लगा दें और इसे लगभग 8 घंटे के लिए फ्रिज में जमने रख दें। और 8 घंटे बाद इसे फ्रिज से निकाल कर आप देखेंगे कि कुल्फी कितनी अच्छे से जमी है, इसमें ऊपर से बर्फ भी नहीं जमी है। और अब इसे हाथों के बीच में हल्का सा घुमा दें जिससे कि ये अपने किनारों को छोड़ दें, और अब इस कुल्फी को निकाल कर बादाम, पिस्ता या फ्रूटस के साथ सर्व करें। इस रसभरी मैंगो स्ट्रॉबेरी पॉप्सिकल्स के लिए हमें लेने हैं कटे हुए आम और स्ट्रॉबेरी, और बस करना है इसे मिक्सर में ग्राइंड। मैंगो और स्ट्रॉबेरी का पल्प तैयार है, बस अब हमें डालना है इन्हें आइसक्रीम मोल्ड्स में। अब ले आइसक्रीम मोल्ड्स, अगर आइसक्रीम मोल्ड्स नहीं है तो आप आइस क्यूब ट्रेस या डिस्पोजल यूज करें। अब इन मोल्ड्स में मनपसंद फ्रूट पल्प की लेयर डालें, मोल्ड का ऊपर से कवर लगाकर इसे 3 से 4 घंटे फ्रीजर में फ्रीज होने रख दें, और ये बनके तैयार है। इस मजेदार रेनबो पॉप्सिकल के लिए हमें लेना है मैंगो पल्प, स्ट्रॉबेरी पल्प और कीवी पल्प। बस मोल्ड लें और इसकी एक एक करके लेयर्स डालें। आप जितनी इसकी छोटी छोटी लेयर्स डालेंगे उतनी ये रंग बिरंगी आइसक्रीम बनके आएगी। बस इसे भी करें फ्रीज और ये बनके तैयार है। आइसक्रीम के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे लेमोनेड यानी कि नींबू पानी। अब मोल्ड्स में डालें बच्चों के मन पसंदीदा सीजनल फ्रूट्स छोटा छोटा चॉप करके। कोशिश करें कि हर तरीके के कलरफुल फ्रूट्स यूज करें। इसके ऊपर डालें लेमोनेड और लगाएं मोल्ड का कवर, और फ्रीज होने के बाद ये भी तैयार है। नेक्स्ट मैंगो पॉप्सिकल तो बहुत ही आसान है, और मैंगो तो बच्चों का फेवरेट होता ही है, तो आपको बस निकालना है इसका भी पल्प, इसे भी डालना है आइसक्रीम मोल्ड में, लगाएं इसका कवर और इसे भी रख दें 3 से 4 घंटे फ्रीज होने, और ये बनके तैयार है। तो चलिए पहले बेस बना लेते हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो पहले आइस क्यूब डाल के बर्फ का ये बेड बना लिया है। उसके ऊपर रखना है ये बड़ा बाउल जिसमें लेनी है हमें फ्रेश क्रीम, वो भी एकदम ठंडी। मिठास के लिए डालेंगे इसमें कंडेंस मिल्क, मिठास को आप अपने स्वाद के अनुसार रख लें। वनीला एसेंस का डाला है 1 चम्मच एसेंस के लिए। अब जब तक बीट करें जब तक कि ये क्रीम फूल के डबल ना हो जाए,
यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक बीटर लिया है, आप चाहे तो किसी भी बीटर से बीट कर सकते हैं। स्लो स्पीड पे ही रखें। यहाँ बीट करते हुए मुझे 6-7 मिनट हो गए हैं और क्रीम भी एकदम परफेक्ट हो गई है। बेस तो हमारा तैयार है। अभी कंटेनर लें और उसमें डालें फ्रेश क्रीम। अब जेम्स को साबुत या आप थोड़ा सा तोड़कर इसमें डाल दें। फॉइल से कवर करें और इसे फ्रीजर में 7-8 घंटे जमने रख दें। लो, बन गई हमारी जेम्स आइसक्रीम। लग रही है ना ये दोस्तों मजेदार। अब बनाएंगे हम ओरियो चॉकलेट आइसक्रीम। इसे बनाने के लिए आइसक्रीम बेस में ओरियो बिस्किट को क्रश करके डाला है। इसे भी फॉइल से कवर करके फ्रीजर में 7-8 घंटे जमने रख दिया और हो गई तैयार हमारी मजेदार ओरियो चॉकलेट आइसक्रीम। और ये ओरियो आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट है। अब हम बनाएंगे मिक्स फ्रूट आइसक्रीम। इसे बनाना तो दोस्तों बहुत ही आसान है, बस इसमें डालें अपने मनपसंद फ्रूट्स को। इसमें भी फॉइल लगा दें ऊपर से और लीजिए तैयार है हमारी फ्रूट आइसक्रीम। और दोस्तों ये वाली आइसक्रीम तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। ये है गमी बियर जेली आइसक्रीम। ये गमी बियर्स तो आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, बस इसे डाला, मिक्स किया और इसे भी फॉइल लगाकर फ्रीजर में जमने रख दिया। तैयार है हमारी मजेदार गमी बियर आइसक्रीम। अनाया आपको कैसी लगी आइसक्रीम? बहुत टेस्टी थी मामी। बहुत टेस्टी थी, आपको अच्छी लगी? तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ये आइसक्रीम जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको ये कौन सी वाली अच्छी लगी। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आप लोग भी जरूर ट्राई करना। ओके, बाय बाय।